नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी, आप देख रहे हैं frozone.com और आज हमारे साथ फोर्ड की फेसलिफ्टेड एंडेवर आ चुकी है। हमने इसका रिव्यू पहले इंग्लिश में किया था, जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं जो हुएवर वांट्स टू सी इट इन इंग्लिश द वीडियो इज़ ऑलरेडी लाइव। अभी हम हिंदी वीडियो से शुरुआत करते हैं, डिज़ाइन से बात करते हैं। डिज़ाइन में ज़्यादा बदलाव नहीं है, पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कलर है ये नया है, मून डस्ट सिल्वर है कलर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ओवरऑल डिज़ाइन में ज़्यादा बदलाव नहीं है। फ्रंट ग्रिल में अभी आपको 3 स्लैट मिलते हैं, हेडलैम्प सेम है, फॉग लैम्प, बम्पर सब सेम है। पर जो एक और चीज़ जो इस गाड़ी को नया बनाती वो है ये 18 इंच के नए बढ़िया दिखने वाले अलॉय व्हील। इसकी डिज़ाइन जो है काफ़ी क्लासिक और सिंपल है, पर इसका जो मेन राइवल है टोयोटा फॉर्चूनर वो बहुत ही बिजी डिज़ाइन देता है, किसी को वो पसंद आता है, पर इस सेगमेंट में क्लासिक और सिंपल डिज़ाइन की भी काफ़ी अहमियत है, इसलिए फोर्ड एंडेवर बहुत ही अच्छी अपनी पोजीशन बना के रखा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स और ब्रांड, क्योंकि एंडेवर एक गाड़ी है जो काफ़ी बढ़िया फोर्ड के लिए चली आ रही है। पीछे का डिज़ाइन भी वैसा ही है, ज़्यादा बदलाव नहीं है। एलईडी लाइट्स में थोड़ा सा बदलाव है इसे अलग करने के लिए नई गाड़ी से। ओवरऑल हमें तो ये गाड़ी पसंद है, इसका साइज़ प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है और वो उस वजह से इसे बहुत सारी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी मिलती है, साथ ही साथ आप रोड पे खड्डे और बाकी सब चीज़ों से भी बच सकते हैं, पर मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम इसके कैबिन के अंदर घुसते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी स्क्रीन है यहाँ पे दो, इस तरफ की स्क्रीन को आप इसके इस बटन्स के साथ कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ की स्क्रीन आप इस बटन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम, वॉइस रिकग्निशन, फ़ोन और म्यूज़िक के लिए दिया गया है। ये है सिंक 3 फोर्ड का इंफोटेनमेंट सिस्टम, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही फास्ट, बहुत ही बढ़िया चलता है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही फास्ट है और इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, जो इस सेगमेंट में आपको टोयोटा फॉर्चूनर अभी तक नहीं दे पाया है। और आपको यहाँ पे सारे फीचर्स मिलते हैं, आप एम्बिएंट लाइटिंग चूज़ कर सकते हैं, वॉइस कंट्रोल है जो आजकल काफ़ी चर्चा में है तो आपको वो भी मिलता है यहाँ पे। वैले मोड है, वैले में अगर आप गाड़ी दे रहे हैं तो थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है, आप इसे स्पीड लिमिट करके रख सकते हैं और बाकी सारे फीचर्स भी कंट्रोल में आ जाते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट होता है और तो आपको डीलरशिप जाके बस थोड़ी देर के लिए इसे दिखाना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन अपडेट हो जाएगी, जैसे आपके फ़ोन वाईफाई पे अपडेट होती है। नेविगेशन भी दिया गया है, काफ़ी अच्छा 3D मैप वाला है और इसका AC काफ़ी बढ़िया चलता है। ये बटन का लेआउट थोड़ा बहुत पुराना है पर फीचर्स की कमी नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, ये 4 लो है, डिफ लॉक है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, पैरेलल पार्किंग आपको मिलती है और साथ ही साथ आपको पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं फ्रंट और बैक दोनों। ये ड्राइविंग मोड्स हैं, ये हिल डेसेंट का क्रूज कंट्रोल है, एक स्पीड सेट कर लीजिए वही स्पीड पे ये नीचे उतरेगा। ओवरऑल जो कैबिन है, डैशबोर्ड हमेशा की तरह सेम है, लेदर कवर्ड है, स्टिचिंग किया हुआ है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। खास इसमें कलर कोऑर्डिनेटेड कलर कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग होती है, वाइट कलर की स्टिचिंग अभी ऑलरेडी थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है इसे अच्छा दिखने के लिए। ये मटेरियल चेंज किया गया है और ये रहा इसका ग्लव बॉक्स। ये लॉक बटन आपको चारों दरवाजे पे मिलेंगे, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर है क्योंकि आप ऐसे ये लॉक अनलॉक कर लेंगे, आगे भी है और पीछे भी है, इसमें आपकी कहीं जो यहाँ पे लॉक यूजुअली यहाँ पे होता है फोर्ड गाड़ियों में भी और दूसरी गाड़ियों में भी, तो फोर्ड ने बटन यहाँ पे रख के काफ़ी अच्छा किया है। एक छोटी सी फीचर है पर काफ़ी अच्छी है। हेडलैम्प का स्विच यहाँ पे है हमेशा हर फोर्ड गाड़ी की तरह, ये मिरर कंट्रोल है यहाँ पे, बूट रिलीज यहाँ पे है, ये लाइट डिम करने के लिए है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, और ये रही फॉग लैम्प आगे और पीछे की। पावर विंडोज़ इल्यूमिनेटेड हैं तो रात में काफ़ी अच्छे से काम हो जाता है। इसमें आपको ऑल इम्पॉर्टेंट फीचर जो हर प्रीमियम गाड़ी में आजकल होना चाहिए, एक फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ है, खुलता भी है और ये इसका शेड भी इलेक्ट्रॉनिक है। हमने काफ़ी महंगी गाड़ियों में देखा है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मैन्युअली खोलना पड़ता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिल रहा है,
तो बहुत ही बढ़िया फीचर की एडिशन है इसमें। पे आप सनग्लासेस रख सकते हैं, ये ब्लूटूथ का माइक है और ये सनवाइज़र दोनों तरफ है, तो आप और बाजू वाले दोनों खुश रह सकते हैं। और इसका साउंड सिस्टम है हमेशा की तरह फोर्ड के इंफोटेनमेंट सिस्टम और साउंड सिस्टम काफ़ी बढ़िया रहता है, तो इसका जो साउंड की क्लैरिटी है, बेस है, काफ़ी बढ़िया है। आप अपना म्यूज़िक इससे काफ़ी इंजॉय करेंगे। अगर आपने ये देखा रहेगा, ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का माइक है। ये जो साइलेंस की आवाज़ है जो होती है वो कैबिन में डाली जाती है, तो इससे कि आपको बाहर की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और ये कैबिन सबसे ज़्यादा साइलेंट कैबिन है इस सेगमेंट में। आपको एक कंफर्टेबल फीलिंग के लिए कैबिन को ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंट किया गया है, जो कि आप लॉन्ग ड्राइव पे या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में कम्यूट करते हैं तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे इस गाड़ी में, और वो आपको पूरा दिन रोड ट्रिप के लिए और वीकेंड ड्राइव के लिए भी आप जाएंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। ये ओवरऑल एक कंफर्ट बढ़ाने के लिए फ़ीचर है जो इस गाड़ी में यूनिक है, इस सेगमेंट में यूनिक है और सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में होता है। आपको सीधा अभी इसमें फोर्ड एंडेवर में, जो एक लग्जरी गाड़ी फोर्ड की है, इसमें आपको मिल रहा है, कुछ कुछ लग्जरी कार्स में भी नहीं होता। हैंड ब्रेक अभी भी काफ़ी पुराने स्टाइल का है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ जाना चाहिए था इसमें फेसलिफ्ट में, पर शायद थोड़ा टाइम बाद में आएगा। ओवरऑल अभी हम पीछे की सीट पे जाएंगे और देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या मिलता है। ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन है और मैं पीछे बैठने वाला हूँ, और ये दिखाने वाला हूँ कि मेरे जूते काफ़ी गंदे हो चुके हैं और हमारे पास काफ़ी लेग रूम है, नी रूम भी अच्छा है, हेड रूम ठीक ठाक है। और ये जो सीट है पीछे होती है इस तरफ, ये होती है जैसे कि आपने देखा रिक्लाइन है, तो और भी ज़्यादा स्पेस बढ़ गया है पीछे। ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल है ये गाड़ी स्पेस के मामले में, पीछे तीन लोग अच्छे से बैठ सकते हैं, भले ही यहाँ पे सेंटर टनल है पर फिर भी तीन लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए। पीछे भी सीट्स हैं ही, मैंने आपको दिखाया था, और वो बूट स्पेस है जो आपको 7 सीट रखने के बाद भी मिलेगा। सीट बेल्ट्स पीछे भी हैं दोनों तरफ, जो बच्चे पहन सकते हैं अगर पीछे बच्चे बैठने वाले हैं तो भी। ओवरऑल हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, फीचर्स की कोई कमी नहीं, काफ़ी साइलेंट कैबिन है, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉलिड गाड़ी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है अंदर बाहर, इसकी एसी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है, और ओवरऑल इस गाड़ी का हाईएस्ट सेल जो सेलिंग पॉइंट है वो इसका कैबिन है, फीचर्स हैं, लग्जरी है, साइलेंस है, और NVH लेवल अच्छे से कंट्रोल किया गया है, और जो आपको 8 एयरबैग से मिलती है इसकी हाईलाइट है एंडेवर की। अब मैंने आपको बताया हमारे पास ये 3.2 लीटर का 6-speed ऑटोमेटिक इंजन है, एक 5-cylinder का इंजन है जो 200 PS का पावर बनाता है और 480 Nm का टॉर्क बनाता है, और ये गाड़ी 4-wheel drive है तो ऐसे आप ऑफ रोड भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा जो पूरा ऑफ रोड का एक्सपीरियंस था हमने रिव्यू में पहले डाला था, ऑफ रोड की जो कैपेबिलिटी है इस गाड़ी की बहुत ही बढ़िया है। हर साल, हर 2-3 साल में एक नया फेसलिफ्ट आता है, फोर्ड हमेशा इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ दिखाता है, इस टाइम भी इन्होंने दिखाई। हम सैंड ड्यून्स में गए थे, मैंने भी थोड़ी ऑफ रोडिंग की, हमने बहुत ख़राब रास्तों पे 25-30 किलोमीटर चलाया और गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल थी, लोग उस गाड़ी में काफ़ी कंफर्टेबल थे, तो ओवरऑल राइड क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। इंजन वेल, पिकअप बहुत अच्छा है, मिड रेंज बहुत अच्छा है, आप कोई भी स्पीड पर हाईवे पर क्रूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंजन की आवाज़ थोड़ी सी कैबिन के अंदर आती है पर अपने राइवल से, स्पेशली टोयोटा फॉर्च्यूनर से आवाज़ तो बहुत ही कम है कैबिन में। इंजन और गियरबॉक्स की बात करें तो इसका गियरबॉक्स भी सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया है, और क्योंकि काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी फास्ट शिफ्टिंग है, आप जब भी इसे डाउन शिफ्ट करने को बोलेंगे डाउन शिफ्ट करेगा, जब अप शिफ्ट होना होगा हो जाएगा, तो ये गियरबॉक्स स्लो नहीं है। इस सेगमेंट में इन गाड़ियों के साथ आपको एक कभी कभी एक स्लो गियरबॉक्स मिलता है, एक ठीक ठाक इंजन मिलता है, यहाँ पे इंजन गियरबॉक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और इसमें आपको 8.5 से 10 के बीच में का माइलेज भी मिलेगा जो हमें भी मिला, और ये काफ़ी अच्छा माइलेज है। यूजुअली सेगमेंट में आपको
माइलेज सिंगल डिजिट में ही रहता है। आप हाईवे पे अच्छे से क्रूज़ करेंगे तो आपको 10 से भी कभी ज़्यादा मिल सकता है। जो रीज़न है इतनी बड़ी गाड़ी इतने वेट के साथ लैडर ऑन फ्रेम के साथ काफ़ी अच्छा माइलेज देती थी, ये क्यों? क्योंकि जो इसका गियर बॉक्स है वो कोस्टिंग करता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे ही थ्रॉटल छोड़ देंगे, एक्सेलेटर पेडल छोड़ देंगे, तो आपको ऐसा लगेगा गाड़ी न्यूट्रल में चलेगी। अगर आप बहुत ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा। तो उसकी वजह से आपको जो है गाड़ी में माइलेज काफ़ी बढ़ जाता है। आपको तो पता ही है न्यूट्रल में गाड़ी डालेंगे और आप स्लोप से नीचे उतरते हैं तो वो करना तो चाहिए नहीं, पर उसमें माइलेज बढ़ जाता है। ये गाड़ी ऑटोमेटिकली वो फीचर रखती है जिससे कि आपको कोस्टिंग जिसे कहते हैं, और उससे माइलेज काफ़ी गाड़ी का बढ़ जाता है। फोर्ड एंडेवर में भी वही ऑप्शन है, इसकी वजह से इसकी गाड़ी की माइलेज काफ़ी बढ़िया है इस सेगमेंट में। और साथ ही साथ इसे मैंने आपको बताया, राइड क्वालिटी बढ़िया है, ग्रिप बढ़िया है, और साथ ही साथ इसकी हैंडलिंग भी बढ़िया है। एक और थर्ड और मेजर पॉइंट इसका ये है, इसकी हैंडलिंग जो इस सेगमेंट में है बहुत ही बढ़िया है। फोर्ड की छोटी गाड़ियाँ तो हैंडलिंग में बहुत ही बढ़िया होती हैं, पर ये बड़ी गाड़ी एक लैडर ऑन फ्रेम चैसी के साथ, डबल चैसी के साथ हैंडलिंग देना फोर्ड के डीएनए में है और उन्होंने दिया है, तो आपको जो है बहुत ही अच्छी हैंडलिंग वाली गाड़ी मिलती है। इसकी राइड क्वालिटीज भी काफ़ी बढ़िया है, ब्रेक्स उसकी वजह से हैंडलिंग अच्छी, गाड़ियों में ब्रेक्स भी अच्छे रहते हैं तो आपको इसमें ब्रेक्स भी अच्छे मिल रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यही हमारा रिव्यू है फोर्ड एंडेवर का। कैबिन के फीचर्स, साइलेंस, रिफाइनमेंट, लग्जरी, साइज, प्राइस और परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, इस गाड़ी में आपको सब कुछ मिलता है जो आपको इस सेगमेंट से चाहिए। और इस सेगमेंट की रिक्वायरमेंट ऐसी रहती है कि कस्टमर्स को सब कुछ चाहिए, और इस एंडेवर में वो सब कुछ है। डिज़ाइन अच्छा है, इंटीरियर अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं, सेफ्टी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी है, तो ये इस गाड़ी को एक ऑलराउंडर बनाता है। और इसकी प्राइसिंग भी फोर्ड ने जो पुराना वर्जन था उससे कमती कर दी है, क्योंकि उन्होंने लोकलाइजेशन किया है, और फोर्ड की जो अफोर्डेबल सर्विस कॉस्ट है एंडेवर के साथ भी वही आपको ऑप्शन मिलता है, तो इसकी सर्विस आपको काफ़ी अच्छी और पॉकेट फ्रेंडली होने वाली है, ज़्यादा महंगी नहीं होगी। इसका सर्विस इंटरवल भी टोयोटा फॉर्च्यूनर से ज़्यादा है, तो आप बेझिझक चला सकते हैं इस गाड़ी को, और आपको ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए बार बार सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ पूछना है तो, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। अगला वीडियो इसी हफ्ते आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।